बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टन का एसी और एक मीडियम साइज़ का रेफ्रिजरेटर, इसके लिए कितने सोलर पैनल दरकार होंगे। दोस्तों, एक टन का एसी 1400 वाट का होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो 2000 वाट कंज्यूम करता है। एक रेफ्रिजरेटर मीडियम साइज़ का 250 वाट का यहाँ पर हम लेंगे, टोटल हमारा लोड हो गया 2250 वाट। अब हम यहाँ पर चॉइस करेंगे कि किस तरह के सोलर पैनल हमने लगाने हैं। मार्केट में 450 वाट से लेकर 690 वाट तक सोलर पैनल अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम 555 वाट के सोलर पैनल ऐड करेंगे। 555 वाट का जो सोलर पैनल होता है, उसकी जो जेन्युइन एफिशिएंसी है वो होती है 80%। अब हम इसकी जेन्युइन एफिशिएंसी निकालेंगे, 555 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, जब इसका आंसर आएगा उस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 444 वाट। दोस्तों, जो 555 वाट का सोलर पैनल है हमें देगा 444 वाट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लोड है 2250 वाट का, हम इसको डिवाइड करेंगे 444 के साथ, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आएगा 5। इसका मतलब है हमें 5 पैनल लगाने पड़ेंगे 555 वाट के। दोस्तों, हमारा जो एसी होता है शुरू में 2000 वाट तक कंज्यूम करता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है उसके 10-15 मिनट बाद आप उसके ऊपर 600 वाट का जो अलग लोड है वो चला सकते हैं, जैसे 2-3 पंखे हो गए या कोई वॉशिंग मशीन वगैरह।